आचार्य प्रवर भगवत देव संशो में आला पद्धति में सूत्र ने की वाक्य के उपरांत शब्द शब्दे बंबूत न्याय प्रत्येकम मेकेका निया शब्द ने समूप ने एवं भूत ने ये तीनों ने एक एक प्रकार का है। शब्द ने एक प्रकार का है, समूप एक प्रकार का है और एवं भूत ने एक प्रकार का है। शब्द नयो था धारा भार्या कलित्रम जलम आपहा अबे शब्द ने इसको दो दृष्टियों में देखना है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब रूढ़त को अब शब्द ने दारा भार्या कलत्र अब दारा शब्द भी स्त्री के लिए है, शब्द स्त्री के लिए कलत शब्द भी, परंतु स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है और नपुंसक लिंग में है। जलम जल तो जल आपा एकार्थवाची है परंतु पुल्लिंग में है। इसने विशेषतन शब्द अर्थो प्रत्येकम जानमति कृत्वा एकार्थमिक शब्द ने ज्ञाते सति पर्याय शब्द से अर्थ क्रम इति पुष्टार का नक्षत्र एकार्थ होती अथम धारा कल्यत्र भारती कार्थ होती थी कारण लिंग संगादि विचारम को मुक्ता शब्दानुसार स्वीकृत शब्द ने आ शब्द के अर्थ को जानता हूँ। इस प्रकार के अभिप्राय को धारण करके एक शब्द के द्वारा एक ही अर्थ को जान लेने पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना इस शब्द ने का विषय पुष्य तारका नक्षत्र ये सब नक्षत्र के वाचक हैं। एकार्थ अथवा धारा कुल भार्या एकार्थ होता है अथवा लिंग संख्या साधन आदि के विचार को छोड़ करके। अब ध्यान देना, लिंग संख्या शब्द के विचार को छोड़ करके शब्द के अनुसार अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। शब्द न विचार को छोड़ करके, अब सुनना विचार में आपकी बात समझ रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। विचार नहीं करता है, राजवाद के में सारे विषय निकल चुके हैं, आप टेंशन मत लो। विचार को नहीं करते हुए शब्द ने ग्रहण करता है, लिंग को लिंग के रूप में देख, पुरुलिंग को पुरुलिंग के रूप में, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग को, नपुंसक नपुंसक लिंग में। लेकिन कभी शब्द लिंग संख्या का भी विचार होता है, लिंग का भी विचार होता है, समझ रहे हैं। जहाँ लिंग संख्या शब्द आदि का विचार होने पर भी दोष नहीं होता, वो शब्द न है। टिप्पणी में लिखा है नीचे, जहाँ पर लिंग संख्या साधना आदि का विचार होने पर भी दोष नहीं लगे, वो शब्द न है। इस बात को तुम्हारे महात्मा जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, खींचते और खींचते समय रो पड़े तो वो बड़ा डर लगता था, और रोने के बाद कहीं तारका बन जाए तो वो और लगता है, और कहीं परशुराम बन जाए तो और लगता डर। लेकिन हमको तो आश्चर्य लगता है, सुब्रत सागर जी आगम सामने है, उसे पर बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, समझना चाहिए। मतलब इसमें अहंकार खड़ा ना करें कि भाई हमने कह दिया अब यही होना चाहिए है। तो ऐसे तो कभी तुम आगम की व्याख्या ही नहीं करोगे, अपनी कहते अगले। लेकिन जब विद्वान लोग तुम्हारे प्रवचन सुनेंगे और जो अज्ञानी वो भी सुनेगा, जब वो बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करे तो समझ जाओगे तो गुरु जी गलत बोल रहे थे। इसलिए कोई कितने ही सिर वाला आया मैं अपनी बात पर अड़ग रहता, क्यों? आगम सामने है, इसके विरुद्ध अपन सुन नहीं सकते। लिखा ना है, पढ़ लो भाई, टिप्पणी पढ़ो। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे, इस नए पर और चर्चा करेंगे।